नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश एसएन यादव राष्ट्रवादी मंच मिर्जापुर के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने मंच की रणनीति को लेकर चर्चा की। मिर्जापुर जनपद में राष्ट्रवादी मंच की आज पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। राष्ट्रवादी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, जो कि कभी विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंगल के शिष्य कहे जाते थे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन आज उन्होंने राष्ट्रवादी मंच की स्थापना की और उसके पश्चात आज एक वर्ष बीत गए और एक वर्ष के पश्चात आज उन्होंने इसकी स्थापना दिवस मनाया। आइए हम उनसे बात करते, ये पूरे बीते एक वर्ष में जिस मकसद को लेकर वो चले थे, उस मकसद को उन्होंने कितना प्राप्त किया और आगे आने वाले समय में किस प्रकार से वो जनता के बीच राष्ट्रवादी मंच के माध्यम से जाएंगे और मंच का जो उद्देश्य था उसको पूरा करेंगे। आइए हम बात कराते हैं राष्ट्रवादी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कवि अशोक सिंगल के बड़े ही खास और शिष्य कहे जाने वाले मनोज श्रीवास्तव जी से। जी बताइएगा, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राष्ट्रवादी मंच का क्या उद्देश्य था, कितना आपने इसको अचीव किया और आगे क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सेवा, सुरक्षा और संस्कार के संकल्प को लेकर राष्ट्रवादी मंच ने इस मिर्जापुर की धरती पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सच को सच, झूठ को झूठ कहने की ताकत और हिम्मत है तो राष्ट्रवादी मंच के कार्यकर्ताओं में है। राष्ट्रवादी मंच जिस दृश्य को देख रहा है, जो परिस्थिति वातावरण और वायुमंडल का निर्माण विशेष रूप से मिर्जापुर की धरती पर हुआ है, जिस प्रकार से चोर चक्के बेईमान लुटेरे दुराचारी बलात्कारी भ्रष्टाचारी मिर्जापुर की धरती को चरागाह समझकर चल रहे हैं, राष्ट्रवादी मंच ने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और बहुत हद तक लोगों के कान खड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में गांव गांव गली गली मोहल्ले में राष्ट्रवादी मंच अपनी ताकत खड़ा करके मिर्जापुर की सुप्त चेतना को जागृत करके, मिर्जापुर की सज्जन शक्ति को जागृत करके, गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में संघर्ष उठा करके मिर्जापुर की शक्ति का जनबल का एक प्रचंड प्रदर्शन मिर्जापुर की धरती पर करेगा, ताकि दुराचारी बलात्कारी लुटेरों की बोलती बंद हो जाए, यहाँ से पलायन करे, हमारा लक्ष्य है। क्या राष्ट्रवादी मंच मझुआ विधानसभा के उपचुनाव में अपनी भूमिका निभाएगा? अभी टोली के साथ निर्णय करके जो भूमिका होगी वो निभाएगा, जरूर निभाएगा। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि मझुआ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर इन्होंने अभी कोई रणनीति बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी मंच अपनी भूमिका इसमें जरूर निभाएगा, क्योंकि ये जनता की आवाज बनकर जिस तरीके से खड़ी है उसको देखकर लगता है कि हर पार्टियों में खलबली मची है कि आखिर राष्ट्रवादी मंच क्या करने वाला है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।